हलचल टीवी न्यूज। हिसार के गोरशी गांव में वोट ना देने के चलते अल्पसंख्यक समुदाय के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया। इसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें हिसार के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए गांव में जाकर लोगों को समझाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विश्वास दिया है। पीड़ित मोमडन परिवार का आरोप है कि आरोपी उनके घर में घुसकर उनकी जवान बेटी से भी बदसलूकी करके गए हैं। पंचायत चुनाव में बशीर अहमद ने बैनीवाल परिवार को वोट नहीं दिया था। इसके बाद बैनीवाल परिवार और कादायन परिवार ने बशीर के घर पर हमला बोल दिया और कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में उन्हें गांव में नहीं रहने देंगे। वहीं जाट समुदाय के लोगों का कहना है कि बशीर ने उन पर भद्दे भयंग कसे थे, जिनके चलते वे गांव की पंचायत के साथ उन्हें ऐसे शब्द का प्रयोग ना करने के लिए समझाया गया था। लेकिन जैसे ही पंचायत बशीर अहमद के घर पहुंची तो बशीर के घर की महिलाओं ने उन पर धावा बोल दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी भगवान दास सदर थाना प्रभारी ललित खुद घटना स्थल पर गांव गोरशी पहुंचे। इस दौरान डीएसपी भगवान दास ने बताया कि मोहम्मद परिवार पर जाट जाति के लोगों द्वारा वोटों के लेन देन में मारपीट की शिकायत आई थी। पीड़ित मोमडन परिवार की शिकायत पर घायलों के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल गांव में स्थिति शांत है। गलत शब्द बोले हमारे, हम इनके ये कहने थे गलत शब्द ना बोलो, तो इनने फिर इनके लुगाइया ने आदमी ने सारे रुका हो गया, हमारे पर हमला कर दिया। दो आदमी हमारे एडमिट है, पंचायत आदमी पे, एक तो 80 साल का बुढ़ा, एक 50 साल का है। हमने हाथ भी नहीं उठाए इनके, 70-80 लोगों ने हमला कर लिया, ये क्या बात है? ना ना कोई हमला नहीं किया, 9-8 पंचायती आदमी हम 8-9 आए थे इनके घर इसको समझाने के लिए, बाकी तो कुछ था नहीं। बाकी फिर रोड़ा हो पब्लिक तो आया करे, हमारे तरफ के लोग ने हाथ भी नहीं उठाया। चुनाव में वोट नहीं दिए, ये क्या बात है? ये बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल झूठा है। वोट ना देने कोई बात कोई, यहाँ पर करीब 25-30 घर हैं मोमडन लोहारों के, और इनका एक पीछे जो दूसरी पार्टी का है वो कैंडिडेट हैं, जाट कम्युनिटी से हैं। इन्होंने इनको कहा, इन्होंने कहा भी ये एलिगेशन लगाए भी ये हमने किसी से पैसे ले लिए बैठ गए, इस तरह की कोई इलेक्शन की बात थी, उस बात पर इनकी तुतु मेंबर मारपीट हुई है। सिंपल मारपीट है इनकी, एक पार्टी के चार आदमियों को चोट लगी हुई है, एक तरफ से दो आदमियों को चोट लगी हुई है। ये मारपीट का मामला है आपस में, और कोई इशू नहीं है इस बार। हिसार से रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।